नमस्कार दोस्तों, पिछले क्लासेस में जो कोरल रीफ फॉर्मेशन थ्योरीज हैं, सबसिस्टेंस थ्योरी, स्टैंड स्टिल थ्योरी, तो वो दोनों थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज तीसरा थ्योरी देखेंगे, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी, राइट? सो चलिए शुरुआत करते हैं ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी। 1950 में डेली जी के द्वारा ये ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी प्रोपाउंड किया गया था, जिसमें इन्होंने बोला था दैट देखो भैया, कोरल रीफ जो फॉर्म होते हैं वो प्लियोस्टीसीन पीरियड के आफ्टर वाला फेज में जो है फॉर्म हुआ था। एक्चुअली देखो, प्लियोस्टीसीन पीरियड में हुआ क्या था, प्लियोस्टीसीन आइस एज में सी लेवल जो है ना, वो तब आइस फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए ऑटोमेटिकली सी लेवल जो है ग्लेशिएशन के कारण घट गया था। इनफैक्ट सी लेवल जो है अराउंड 33 to 38 फैदम्स नीचे चला गया था, ठीक है? अच्छा, अब देखो, सी लेवल अगर नीचे जाएगा, अगर ग्लेशिएशन होगा, तो ऑफकोर्स वाटर कोई भी रीजन का ठंडा होगा। हमें तो पता है दैट कोरल के सर्वाइवल के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। अगर उस पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे अगर चला जाए तो वहाँ पे स्ट्रेस हो जाएगा, जिसके लिए कोरल जो है डेथ हो जाता था। दैट इज सी लेवल के नीचे जाने के कारण, ग्लेशिएशन होने के कारण, पानी के ठंडा होने के कारण जो है कोरल मर जाते थे, जिसके कारण जो है क्यों मरते थे, क्योंकि मरीन टेम्परेचर घट जाता था, है ना? अब देखो, सोचो ये वाला फेज है, ठीक है? पहला वाला फेज ही आप ले लो, प्लियोस्टोसीन आइस एज वाला पीरियड, ठीक है? तो यहाँ पे क्या था, पहले तो सी लेवल ये था, है ना? बाद में सी लेवल अचानक से नीचे आ गया, ठीक है? तो जैसे सी लेवल नीचे आया, तो यहाँ पर जो पहले जो एग्जिस्ट कर रहे थे ना आपका जाके कोरल्स, तो वो मर गए, ठीक है? या फिर नीचे जो है वो, क्योंकि नीचे वाले जो है वो स्ट्रेस के कारण मर गए, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी थी, है ना? अब देखो, जब नीचे चली गई तो ये वाला जो, अब नीचे तो सडनली तो वाटर का लेवल नीचे नहीं जाता है, धीरे धीरे सब, है ना, ग्रेजुअली जाता है। तो जैसे नीचे जाती गई ना, तो पहले तो ये वाला पूरा लैंड था, तो धीरे धीरे जो है इसको काटती गई, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा खाली हो गया, ठीक है? और ये बन गया वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक है? ये वाला रीजन, है ना, ये नया वाला, पहले ऐसे था, है ना, अभी ऐसे रह गया, ठीक है? तो ये क्या हुआ, ये वाला पूरा जो रीजन है ट्रायंगुलर शेप का जो मैं बना रहा हूँ, ये तो पूरा कट के गायब हो गया। ये कैसे हुआ, थ्रू द वेव, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ कटिंग ऑफ वेव्स, है ना? और उसके कारण जो है सी वेव्स के द्वारा एब्रेशन होता था, इसलिए ये वाला पार्ट जो है पूरा कट के चला गया। अच्छा, ये तो हुआ प्लेस्टोसीन आइस एज में दैट कैसे कोरल्स मर गए, ठीक है? उसके बाद जब प्लेस्टोसीन आइस एज का एंड हुआ, ठीक है, तो फिर सी लेवल राइज हुआ, है ना, और जितना वो घटा था वो फिर से 32, 33 to 38 फैदम जो है सी लेवल इंक्रीज किया। देख रहे हो, पहले नीचे आ गया था, फिर से सी लेवल ऊपर गया वहां पर, है ना? अब जब सी लेवल ऊपर हुआ, तो ये जो वेव कट प्लेटफॉर्म था, ये तो सी लेवल के नीचे सबमर्ज हो जाएगा अप टू द डेप्थ ऑफ अराउंड 33 to 38 फैदम। क्यों? क्योंकि जितना तक नीचे वाटर लेवल आइस एज में गया था ग्लेशिएशन के कारण, जैसे आइस एज का खत्म हुआ तो फिर ग्लेशिएशन वो वाटर लेवल ऊपर चला गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर तो वाटर मिल गया, और यहाँ पर जो है इसको कोरल्स को जो है प्लेटफॉर्म भी, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल गया। देख रहे हो, देखो पहले फेज में जो था ये प्लेटफॉर्म नहीं था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैंड था, बट अभी जो है यहाँ पर इस रीजन में प्लेटफॉर्म मिल गया है कोरल को ग्रो होने के लिए, इसलिए कोरल्स जो है, नए नए कोरल पॉलिप्स जो है इस रीजन में भी ग्रो होने लगे, ठीक है? और ये जो है ऑफकोर्स इस लैंडवर्ड साइड में तो रिस्पेक्टिवली इसका ग्रोथ कम है, बट सीवर्ड साइड में अगर देख लोगे तो इसका एज में बहुत तगड़े तरीके से ग्रोथ हो रहा है। देख रहे हो, ये देख रहे हो कितना सॉलिड तरीके से ग्रो हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इनको जगह भी मिला हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब वैसा रीजन सोचो, ये तो ये वाला जो है ना, ये वाला जो रीजन है वेव कट वाला प्लेटफॉर्म, ये दो टाइप के प्लेटफॉर्म हो सकता है, एक है नैरो कट वेव प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, एक होता है ब्रॉड वेव कट प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ठीक है? ये दोनों ही केसेस हो सकते हैं कहीं पर भी, है ना? अब नैरो वेव कट प्लेटफॉर्म किस लिए हो सकता है, ऑफकोर्स यहाँ के जियोलॉजी के कारण, यहाँ का शायद रॉक्स बहुत ज्यादा सख्त होगा, है ना, और यहाँ का रॉक्स रिस्पेक्टिवली शायद कम सख्त होगा, है ना? तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हो सकता है। एनीवेज, तो नैरो कट प्लेटफॉर्म्स जहां पर होता है वहां पर फ्रिंजिंग रीफ्स हमें देखने को मिलता है, राइट? फ्रिंजिंग रीफ्स आपको पता है, फ्रिंजिंग रीफ्स किसको कहते हैं, बैरियर रीफ्स कैसे किसको कहते हैं, एटॉल किसको कहते हैं। तो फ्रिंजिंग रीफ्स मतलब वो वाले रीफ्स जो क्या आपका यूजुअली लैंड से रिस्पेक्टिवली ज्यादा सटे हुए रहते हैं, और वो हमें यहां से कहीं ना कहीं प्रतीत भी होता है। जी हाँ, यहाँ पे अगर ग्रोथ भी होगा तो रिस्पेक्टिवली जो ये सी लेवल भी होगा तो ये लैंड से कहीं ना कहीं सटा ही हुआ रहेगा, तो ये फ्रिंजिंग रीफ होता है। जब फ्रिंजिंग रीफ, जब इस रीफ, कोरल रीफ और लैंड के बीच में अगर
एक लगून क्रिएट हो जाता है तो उसको हम लोग बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है। और वो किस केस में होता है? ब्रॉड वेव कट प्लेटफॉर्म में। ये सोचो, ये हुआ ब्रॉड वेव कट प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। नाउ ध्यान दीजिएगा, जब भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं आशा कर रहा हूँ दैट आपने कोरल रीफ्स वाला चैप्टर मेरा पहले ही पढ़ लिया होगा, तभी आपको इसको अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दैट, है राइट। एंड अलॉन्ग द आइसोलेटेड वेव कट प्लेटफॉर्म, वहां पर हमें अटोल्स देखने को मिलता है। सिमिलरली ये तीनों चीज का फॉर्मेशन देखो, तीनों थ्योरीज में जो है ना आपका जाके फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ और अटोल्स, तीनों का फॉर्मेशन बताया गया। वो सबमर्जेंस थ्योरी ले लो, वो स्टैंडस्टिल थ्योरी ले लो, या फिर ग्लेशिएशन थ्योरी ले लो, ठीक है। अच्छा, लगून जो है जो फॉर्म होता है, इन्होंने कहा डेली ने दैट ये देखो लगून जो है यूनिफॉर्म डेप्थ का फॉर्म होता है बिटवीन द रीफ एंड द लैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि सी लेवल जो ग्लेशिएशन के कारण जो है यूनिफॉर्म लोअर हुआ था, फिर जब ग्लेशिएशन पीरियड का एंड हुआ तो वो यूनिफॉर्मली राइज हुआ, राइट। तो इसीलिए जो ये डेप्थ जो हमें देखने को मिलेगा लगून का वो यूनिफॉर्म होगा। बट यही सब जो पॉइंट है इनका क्रिटिसिज्म बन गया। क्रिटिसिज्म में क्या क्या था, चलो एक एक करके ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म का था दैट देखो भैया डेप्थ ऑफ ऑल लगूनस ऑफ अटोल्स एंड बैरियर रीफ्स आर नॉट यूनिफॉर्म। वही चीज देखो, यहाँ पे इन्होंने यूनिफॉर्म बोला बट एक्चुअली में अगर आप देखिएगा तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता। डिफरेंट अलग अलग जो लगून सबका बने हुए हैं तो वहाँ पे अलग अलग डेप्थ होता है। इनफैक्ट ऐसा भी होता है दैट सोचो एक ही लगून है ना, तो यहाँ पर इस रीजन में डेप्थ अलग है, इस रीजन में डेप्थ अलग है, ठीक है। तब तो इनका थ्योरी तो यहीं पे फेल कर गया पहला, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ है ना, यहाँ पे काटना मत, ये मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए। दूसरा क्रिटिसिज्म है दैट क्लिफ्स फॉर्म ड्यू टू द वेव कट्स आर सेल्डम फाउंड। जी हाँ, वैसा क्लिफ्स जो आप बोल रहे हो ना दैट क्लिफ्स फॉर्म हो जाएगा, तो क्लिफ्स अगर फॉर्म होगा तो उसी रीजन में होगा ना जहां पर कोरल्स फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। तो वैसा रीजन जो है ना जहां पर कोरल्स मिलता है तो वहां पर जो है शायद ही बहुत कम ही जो है क्लिफ्स मिलते हैं। अगर आपका ऐसा कहना है ग्लेशिएशन पीरियड के दौरान जो ऐसा होता है, तब तो जहां पर भी सोचो कोरल्स होगा वहां पर ही हमें क्लिफ्स के एविडेंसेस मिलेंगे, बट वो चीज ऐसा नहीं होता, राइट। तीसरा है न्यूमरस आइलैंड्स आर बिटवीन द कोस्ट एंड कोरल रीफ्स, है ना। हाँ, सोचो ये कोस्ट है, राइट, और ये एक बहुत दूर है बैरियर रीफ है, ठीक है। इसके बीच में भी तो आइलैंड्स बने हुए हैं, तो इस ये सब कैसे बन गए भाई, ये तो है ना। तो आपके थ्योरी के हिसाब से तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर तो क्लियरली आपका जाके लगून फॉर्म होना चाहिए था, वो भी यूनिफॉर्म डेप्थ का, है ना। यहाँ पर तो हमें आइलैंड्स भी मिलते हैं भैया, तो आपका थ्योरी तो यहीं पर फेल कर सकता है ना। तो यही चीज जो है हम लोग यहाँ से समझे, और इसी आप डायग्राम में और भी अच्छे से समझ सकते हो। तो देखो ये पहला फेज है जहाँ पर कुछ नहीं है, नॉर्मल है। दूसरा फेज में जहाँ पर ग्लेशिएशन के कारण जो पहले वाटर का लेवल इतना था वो नीचे चले गया के इतना हो गया, ठीक है। फिर से अब देखो यहाँ पे गया तो, और साथ ही साथ जाते जाते जो है इस वेव इसको भी प्लेटफॉर्म को कट करते हुए इसको उड़ा के ले चला गया अपने साथ। देख रहे हो, देखो ये वाला पहले ऐसा था ना, है ना, ऐसा था ना, अब इसको इस पोर्शन को उड़ा के ले चला गया, गायब है ना यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है दैट जब नीचे जाता है तो ऐसे करके इसको काट देता है, ठीक है। अब फिर से जब सी लेवल ऊपर आता है तब जो है आपका जाके कोरल्स का ऊपर जाना शुरू होगा, और वो जो है कोरल्स जो है जो कि इस ये प्लेटफॉर्म पहले कोरल्स को नहीं मिला हुआ था, इस प्लेटफॉर्म में भी कोरल्स पनपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है कहा गया आपका जाके द्वारा ग्लेशिएशन थ्योरी ऑफ कोरल फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द डिस्कशन, एंड इफ यू वॉन्ट टू एक्सेस द PDF ऑफ इट इन अ वेरी फुल लेंथ, तो आप नीचे के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।